तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेचुरल देसी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, मैं रोहित संधु आपके सामने फिर से पेश हूँ एक नए व्लॉग के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं वैसे कुछ खास आज की वीडियो में वैसे तो कुछ खास है नहीं। मैं वैसे आज आया था किसी काम से डिक्शई में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको डिक्शई का भी कुछ व्यू दिखा दूँ। वैसे तो बहुत ही प्यारी जगह है ये, जैसे कि आप मेरे बैक में देख सकते हैं, वो सामने जो आपको ठीक मेरी उंगली के ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ये वाला एरिया, ये है डिक्शई का म्यूज़ियम। और बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये डिक्शई। और वैसे तो कैंट एरिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको आसपास का कुछ व्यू दिखा दिया जाए। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कुछ व्यू आसपास के। तो फ्रेंड्स, ये कुमारहट्टी का नेशनल हाईवे है, शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे। तो यहाँ से सीधा ही डिक्शई के लिए रोड जाता है। यहाँ पर आगे बोर्ड भी लगा है जिसमें लिखा है डिक्शई छावनी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सीधा ही लेफ्ट साइड राइट साइड से ये सीधा ही रोड जा रहा है। ऊपर लिखा है डिक्शई छावनी में आपका स्वागत है, और यहाँ से सीधा ही जाता है कैंट एरिया के लिए रास्ता। और बहुत ही प्यारा व्यू है ऊपर जाकर। मैं आपको चलिए ऊपर के भी थोड़े और व्यू दिखा देता हूँ। डिक्शई कैंट एरिया की तरफ जाते हुए आपको बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे साथ उन व्यूज़ के मज़े लीजिए। और हाँ, आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। आगे चलकर मैं आपको बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूज़ और दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मेन पॉइंट की तरफ। अब यहां से एक रास्ता जाता है डिक्शई बाजार की तरफ, और दूसरा रास्ता जाता है डिक्शई कैंट एरिया की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां पर कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ हमारे को देखने को मिलेंगे, और आप भी मेरे साथ इस जगह का एंजॉय कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको लेकर चलता हूँ अब आगे की तरफ, और आगे चलकर मैं आपको दिखाऊँगा कि आगे चलकर कौन कौन से और व्यूज़ आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसा कि ये बिल्डिंग अंग्रेजों के समय की बनाई गई है, और इसको आज भी पूरी तरह से मेंटेन रखा गया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लेकर चलता हूं आगे की तरफ, और आगे चलकर आपको दिखाऊंगा कि और कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ आपको आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसा कि मुझे रास्ते में एक शहीदी स्मारक मिला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ यह जानकारी शेयर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं आगे चलकर दिखाता हूँ कि कैंट एरिया में कितनी सफाई रखी गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैंट एरिया का ये प्लेग्राउंड, और जो कि देखने में बहुत ही बड़ा है। और जो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर आ चुके हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपको यहाँ पर जितने भी पुराने बिल्डिंग्स दिखेंगे, ये सारे ही यहाँ पर अंग्रेजों के समय की बनाई गई है, और इनको आज भी बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया गया है और वेल मेंटेन किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़, आपसे भी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को पूरा सपोर्ट दीजिएगा और अपना प्यार देना ना भूलिएगा। के जैसे कि आप मेरे बैक में देख सकते हैं, वैसे इतनी दूर से तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ से आपको मैं एक बात और बता दूँ कि यहाँ से बड़ोग हाइट का जो व्यू है, वो
वो बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। और यहाँ से सामने ही MMU मानव भारती यूनिवर्सिटी भी साफ दिखाई देते हैं, जहाँ पर भी विश्व की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है। मैं किसी दिन आपको वहाँ पर भी लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा आपको हनुमान जी की मूर्ति भी। वैसे तो मैंने अपनी पिछली कई वीडियोज़ में वहाँ के बारे में बताया है, आपने अगर मेरी वीडियोज़ वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा। तो आप बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। ये आप देख सकते हैं मेरे बैक में किस प्रकार का व्यू है और यहाँ से सामने का व्यू कितना साफ। वैसे तो अभी धुंधला दिखाई दे रहा होगा ना, मैं अभी आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखाऊंगा कि सामने का व्यू किस प्रकार का है। और बहुत ही औसम जगह है, सामने रेल की पटरी है, रेल जा रही है यहाँ से, मैं आपको अभी वो भी दिखाऊँगा। तो बहुत ही औसम लगा मुझे यहाँ का व्यू, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहाड़ में हम रहते हैं तो जहाँ पर भी जाते हैं बहुत ही चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। आप देख सकते हैं कितना हरा भरा मौसम है। और चलो मैं अब आपको आगे का और व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा। और यहाँ से सामने ना नेशनल हाईवे बड़ोग वाला रोड और जो नया बाईपास कटा है वो भी सामने साफ दिखाई देता है। तो चलो अब मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ और आप बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ यार आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ यार, आप इतना प्यार देते हो वीडियो को तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा हमारी वीडियो को और बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। चलिए मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। तो आप ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये यहाँ से ये जा रही है ट्रेन। वैसे तो इतना जूम नहीं हो पा रहा है, फिर भी अगर आपको दिखाई दे रही होगी इस प्रकार से यहाँ से ट्रेन जा रही है पहाड़ों के बीच में से। हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पर बहुत सारे और देखिए कैसे यहाँ से ट्रेन जा रही है। और वो है पार सामने ही मानव भारती यूनिवर्सिटी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी है, अगर आपको वैसे तो धुंधली दिखाई दे रही होगी। ट्रेन अब चली गई है उसके बीच में। ये है शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे, ये है मेन कुम्हारट्टी का पॉइंट, ठीक है। ये ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ से ब्रिज की स्टार्टिंग है। और पता नहीं इतना साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। और इधर से रास्ता जाता है बड़ोग होते हुए वहाँ से ऊपर को, और वो है सामने बड़ोग। ये है मेन बड़ोग और यहाँ की पहचान है ये टावर, ये आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। चलिए अब आपको मैं यहाँ का और भी व्यू दिखा देता हूँ। देखिए कितना ग्रीनरी है यहाँ पर। और ये है कुछ कैंट एरिया जो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। और वो है पार सामने ही म्यूज़ियम, मैं आपको उंगली से मार करके, ये वाला ऊपर है ना जो, ये वाला, ये है म्यूज़ियम, ठीक है। जूम करके दिखाता हूँ, ये है म्यूज़ियम ये ऊपर। और बहुत ही प्यारी लोकेशन है म्यूज़ियम की भी, देखते हैं अगर अंदर जाने दिया अभी इन्होंने अंदर। वैसे कोशिश करूँगा मैं अंदर जाने की। और बहुत ही अच्छी जगह है ये कैंट एरिया। वैसे तो आर्मी एरिया में वीडियो बनाना वैसे अलाउड नहीं है, मगर फिर भी मैं आप सब के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप सब अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार का व्यू रहता है यहाँ पर रोड साइड का, जो कि बहुत ही प्यारा है। मुझे तो ये जगह सच में बहुत ही प्यारी लगी। आप भी बताइएगा कि आपको यहाँ का व्यू कैसा लगा, क्योंकि हाइट पर है डगशई, बहुत हाइट पर है। वैसे यहाँ के बारे में बताया जाता है जो अंग्रेज़ों के टाइम पे दागने की प्रथा थी वो थी यहाँ पर ना, तो यहाँ पर लाकर दागा जाता था घोड़ों को भी और शायद इंसानों को भी, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दागशाही पड़ा, दागा जाता था यहाँ पर ना। तो फिर बाकी आप बताइएगा, जो जो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर आए हैं मुझे बताइएगा कि उनको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितनी प्यारी जगह है ये डगशई की। बाकी मैं अभी आपको थोड़ा सा और व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो कैंट एरिया में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं कुछ ना कुछ दिखाऊँ। तो आप सब बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी है यहाँ पर चारों तरफ, मैंने आपको फ्रंट कैमरे से दिखाया भी था और मुझे तो वैसे ये जगह बहुत ही प्यारी लगी। तो आप सब भी जब भी यहाँ पर आए घूमने के लिए तो एक बार जरूर विज़िट कीजिएगा। और वैसे तो आप खुद ही बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी। और जो जो फ्रेंड्स मेरे यहाँ पर आए हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं आपको आगे का व्यू दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है आपके सामने डगशई की सबसे पुरानी जेल। यहाँ पर लाकर कैदियों को इकट्ठा करके रखा जाता था
और यहाँ नीचे है ये कुछ टेंट एरिया। तो आप बताइएगा कि आपको ये व्यू कैसा लगा। अभी मैं आपको फ्रंट आगे जाकर दिखाऊंगा कि डक्शी म्यूजियम कहाँ पर है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये है सामने ही जहाँ गाड़ी खड़ी है ना, उसी के बैक में है, राइट साइड में ये है डक्शी म्यूजियम, ठीक है, जो कि अभी बंद है फिलहाल कोरोना के चलते। और ठीक उसी के लेफ्ट साइड में है ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये है जेल का। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको दिखाया कि कहाँ पर है म्यूजियम और कहाँ पर है जेल। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? और जो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिलती रहे। तो बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।